So, hey guys, I'm Sobia Khan, and this is my first YouTube video ever. And I have been thinking about starting a channel, but to be honest, finding time is such a big challenging for me because I am a housewife and a mother also, Alhamdulillah. And now here I am applying color correctors, but मैंने पहले यहाँ पर CTM कर लिया था. सो बेसिकली CTM होता है चेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो मैंने यहाँ वो तीनों कर लिया है, और उसके बाद मैंने इनसाइड का प्राइमर भी यूज़ कर लिया है. सो उसके बाद मैंने इनसाइड का ही कलर करेक्टर अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ ब्रश, और मैं उसको ब्लेंडर से अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी. और ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी स्किन टोन से एक शेड डालकर जो है कंसीलर अप्लाई किया है. जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर अप्लाई किया था, मैं उस पोर्शन पर अच्छे से अपने वो डार्क शेड का कंसीलर अप्लाई करूँगी, ताकि वो जो मैंने कलर करेक्टर लगाया है वो छुप जाए. उसके बाद जहाँ भी मुझे मेरे स्किन पे लगेगा, जैसे चीक्स पर, फॉरहेड पर, चिन पर, जहाँ भी मुझे एक्स्ट्रा लगेगा मेरी स्किन थोड़ी डार्क है या कोई स्पॉट है, तो मैं वहाँ पर वो कंसीलर अप्लाई करूँगी. खुशबू में लेके साथ में मुस्कुराता सा नींदों से और यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर. और आप या मैं अपना जो ब्लेंडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, उसको मैंने अच्छे से वैट कर लिया है, और वैट करने के बाद मैंने उसे स्क्वीज कर लिया है, और मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. और उसके बाद मैं लाइटर शेड अप्लाई करूँगी कंसीलर का, जहाँ जहाँ मैंने वो डार्क शेड का कंसीलर अप्लाई किया है, और जहाँ पे मुझे डार्क लगेगा थोड़ा, मैं वहाँ एज अ फाउंडेशन उस कंसीलर को मैं अप्लाई करूँगी. और ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. और यहाँ मैंने अच्छे से अपने ब्लेंडर की मदद से अपने कंसीलर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ. पर याद रहे, अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो फिर आपका जो मेकअप है वो काफ़ी स्टिकी और ग्रे हो जाएगा. तो उससे बचने के लिए आपको अपना जो कंसीलर है वो अच्छे से ब्लेंड करना है. उसके बाद रिसेंटली मैं अभी एक पार्लर गई थी अपनी आई थी, उसको मैंने थे तो उन्होंने रहेगी, सो नेवर माइंड. और उसको मैं अच्छे से ब्रश से मैं उसे रिफाइन करूँगी, और उसके बाद मैं फ्लैट ब्रश से उसको कंसीलर से अच्छे से मैं उसको सेट करूँगी, और उसके बाद मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी. और यहाँ पर मैं उसका लिक्विड ब्रश यूज़ कर रही हूँ. ये सब मेरा फेवरेट है, और मैं अच्छे से नहीं लगाऊंगी, पर मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी. और उसके बाद मैं लूज पाउडर से अपना जो कंसीलर है वो मैं सेट करूंगी. सेट करने के बाद मैं थोड़ा सा फेस पाउडर भी लगा लूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लशर यूज़ करूंगी. और ब्लशर की एक टेक्निक है जो मैंने नेट पर देखी थी वीडियो में, तो ये भी मैंने इंस्टाग्राम से ही सीखा था अपने ब्रशर लगाना. सो उसके बाद मैं एक वैट वैट वाइट से अपने लिप्स पर जितनी भी मेरे फाउंडेशन में कंसीलर अच्छे से लगाऊंगी. उसके बाद आईलैशेस कलर से मैं अपनी आईलैशेस कर्ल करूँगी. यहाँ पे मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर हाँ मैंने इसको अच्छे से अपनी जो आईलैशेस हैं उसे कवरेज करती हैं, और उसके बाद मैं इसका हाई यूज करूँगी. सो ये काफ़ी मेरा काफ़ी फेवरेट पार्ट है, और मैंने इसे अच्छे से अपने मस्कारा से मैं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार बार मैंने इसको अपने मस्कारा मैंने लगाया है. तो मैं ज़्यादातर फेस लैशेज अवॉइड करती हूँ, और मैं मस्कारा से ही अपने ज़्यादातर मैं लैशेज का करती हूँ.
जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं काफ़ी बार जो मस्कारा है मैं काफ़ी बार अप्लाई करती हूँ अपने आईलैशेस पे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बड़े बड़े आईलैशेस। तो मैंने यहाँ पे एक बार मैंने कहीं गाया अपने मस्कारा को, उसका कोट मैंने अप्लाई किया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना हाईलाइटर ढूंढ रही थी, पर उससे पहले मैं वाइट काजल लगा लूँगी अपने, और वाइट काजल से आपकी जो आईज हैं वो काफ़ी बड़ी लगती हैं, क्योंकि मेरी आईज इतनी बड़ी नहीं है। तो मैं तो हमेशा इसी की आई थी, अपनी आईज थोड़ी बड़ी दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यस, उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ। ये मेकअप फिक्सर है जो कि बहुत अच्छा है, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद मैं अपने ब्रश पे थोड़ा सा मेकअप फिक्सर लगा के हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। इससे मुझे काफ़ी अच्छा शाइन मिलती है, तो मैं हमेशा ऐसे हाईलाइटर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पर हाईलाइटर अपने चीक्स बोन पर, और मैं यहाँ पर अपने हाईलाइटर अपने आईब्रोज पर, और सब जगह हाईलाइटर लगा लूँगी। इससे काफ़ी अच्छा एक शाइन आपको मिलती है। सो मैंने उसको अच्छे से ब्रश से लगा लिया, और मैं आईब्रो के पास जो हाईलाइटर मैं लगाती हूँ तो मैं उसे फ्लैट ब्रश से लगाती हूँ, काफ़ी अच्छा एक फिनिश लुक आता है। सो यस, सो ऑनेस्टली वैसे तो कहीं जाना नहीं था, पर फिर भी मैंने एक स्टूडियो बनाई थी, तो मैंने मेकअप कर लिया है। तो मैंने पेरेंट्स को देना चाहेंगे, और ये मेकअप लुक है।